गणेशन, मैं आज आपको आलसुंदा उसड़ करने की विधि बताती हूँ। मैंने आधा छोटा सा कटोरी आलसुंदा को अच्छी तरह सॉफ्ट बॉईल किया है। उसके लिए मैंने बड़ा प्याज लिया है, आधा बड़ा टमाटर, कड़ी पत्ता 1/4 टीस्पून, हरवा मिर्ची का पेस्ट 1/4 टीस्पून, हींग, थोड़ा सा हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्ची 1/2 टेबल स्पून लिया और धनिया पाउडर भुंजा हुआ 1 टीस्पून लिया। तेल हम 1/2 टेबल स्पून लेंगे। अब हम 1/2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। अब हींग डालें हम, उसके बाद कड़ी पत्ता, मिर्ची, प्याज डाल के 2 मिनट अच्छी तरह पकाएंगे इसे। हमने टमाटर भी डाल दिया, धीमी आंच पर पका रहे हैं। स्वाद अनुसार नमक डाले हम। अब हमारा प्याज अच्छी तरह पका है, उसमें भुंजा हुआ धनिया पाउडर डालेंगे। उसके बाद 1/2 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर डालेंगे। अब हमारा प्याज उसमें अब बॉईल किया हुआ अलसुंदा डालेंगे। 1-2 मिनट अच्छी तरह पकाएंगे उसे। अब चाहे तो थोड़ा सा उसमें पानी भी डाल सकते। अब हमारा अलसुंदा उसड़ अच्छी तरह पका है, क्योंकि हमने बॉईल किया हुआ अलसुंदा लिए हैं। आप उसे चपाती बना खा सकते हैं। वो टेस्ट और हेल्दी फूड है। थैंक यू वेरी मच बाय दीपिका चव्हाण इन इजी होम रेसिपी एंड इन मॉम्स मैजिक। थैंक यू।